हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। नवंबर 2023 जिनके एग्जाम से मिस्ट्री रिवील्ड बाय आईसीआई, सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है अभी कि न्यू स्कीम नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ओल्ड सिलेबस जो था, जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, वही एप्लीकेबल रहेगा फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए। अच्छा, आपका सीए फाइनल हो या सीए इंटरमीडिएट हो, आपके एग्जाम्स अगर नवंबर 23 में, तो लास्ट 3-4 महीनों से शायद आप थोड़ा परेशान हो रहे थे कि सर न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़े, ओल्ड के हिसाब से पढ़े, या कुछ सब्जेक्ट जो आपको लग रहा था कि ओल्ड सिलेबस में है पर न्यू सिलेबस में नहीं होगी, उसको हमने शायद पढ़ा ही नहीं। और आपको ये भी डाउट था कि इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें मेरे सब्जेक्ट के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सर न्यू सिलेबस में कुछ चेंज होगा था क्या या नहीं होगा। तो वैसे मैं आपको बता चुका था कि न्यू सिलेबस अगर आ भी जाए तो भी इनडायरेक्ट टैक्स में कोई देयर वाज नो मेजर चेंज। इसलिए सर आपने ऑलरेडी शायद इनडायरेक्ट टैक्स तो पढ़ना चालू भी कर दिया होगा, पर नाउ मिस्ट्री हैज बीन रिवील्ड। सूत्रों के हिसाब से ये पक्की खबर है कि न्यू सिलेबस अब नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स सीए फाइनल में है या सीए इंटरमीडिएट में है एंड आर प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स, अपनी कुर्सी के सीट बेल्ट बांध दीजिए, धमाधम शानदार वाली पढ़ाई चालू कर दीजिए। एंड वही आपके जो 8 सब्जेक्ट्स थे वो एप्लीकेबल है। आप 6 के भरोसे मत रहिए, आपको ऐसा उम्मीद था सीए फाइनल में कि 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और सर हो सकता है आपने 2 सब्जेक्ट जो नहीं होने वाले थे वो पढ़े भी नहीं हो, और बाकी सब्जेक्ट भी आप आराम से पढ़ रहे हो कि 6 ही पढ़ने। भाई साहब, अब अपनी कुर्सी के बेल्ट बांध दीजिए, फ्लाइट एकदम शानदार फुल स्पीड से उड़ा दीजिए, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है। नाउ देयर इज नो एक्सक्यूज कि सर हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपको ओल्ड स्कीम वाला जो एग्जिस्टिंग स्कीम है वही पढ़ना है। नवंबर 23 एग्जाम्स वालों, अपना दिल थाम के पढ़ाई चालू कर दीजिए, माहौल बनाइए। एंड सर जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसकी बुक्स वगैरह सारी अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट की, सो नो नीड टू वरी। जल्दी से पढ़ाई करिए, अपना टाइम टेबल बना दीजिए, शेड्यूलिंग पूरा कर दीजिए, एंड डू प्लान वेल सो दैट आप उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाए। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं करिए। आप ये मत सोचो सर अभी वो 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कोई टफ नहीं है सर। अगर आप अच्छे से प्लान करके पढ़ते हो, एग्जीक्यूट करते हो, टाइम बहुत सफिशियंट आपके पास है, मोर देन सफिशियंट नहीं है, यस सफिशियंट है, बट ओनली थिंग इज दैट कि आपको वेल प्लान करना पड़ेगा, और जो आपने प्लान किया उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जिनके नवंबर 23 एग्जाम्स है, सर अगर आप सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे हो, डोंट एवर थिंक फॉर सिंगल ग्रुप एज ऑफ नाउ। अगर आपके नवंबर 23 एग्जाम्स है, दोनों ग्रुप की तैयारी कर रही है, पूरा फुल दम लगा दीजिए। एंड सर वक्त आपका नहीं, पूरा दौर आपका होगा। ऑल द बेस्ट, माहौल बनाओ, लव यू लॉट, बस पढ़ाई लग जाइए। ऑल द बेस्ट।